जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पिछली बार मेंस के दो क्वेश्चन डील किए संविधान सभा से रिलेटेड। तो संविधान सभा का हमारा वहां पर चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। संविधान का सहार देशों, संविधान निर्माताओं ने सहार देशों का अध्ययन किया और उसके बाद उनको जो जो चीजें वहां से अच्छी लगी वो हम लोगों के संविधान में उन्होंने ली, वो उन लोगों ने हम लोगों के संविधान में ली। और इस तरीके से एक क्वेश्चन ये बनता है मेंस में, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है या 1935 की कॉपी है। इस तरीके के क्वेश्चन आगे जाके मैं डील करूंगा। तो पहले तो प्रीलिम्स और मेंस वाला ये जो है अपने को क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान के स्रोत। और दूसरा इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची स्केड्यूल से हम लोगों को पढ़ना है, शेड्यूल से पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के, फिर उसके बाद फिर हम लोगों की मेंस की सीरीज आएगी। इस तरीके से हम लोगों को चलना है दोस्तों। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, इंग्लिश वाले भी साथ में बने रहना, फैक्चुअल चीजें हैं। लेकिन यहाँ से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, 5 वाला कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम हमारे प्रीलिम्स में दे रखा है ना, ये अपने को ध्यान रखना है प्रीलिम्स वाले फैक्ट के लिए। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, जब प्रीलिम्स एग्जाम आएगी तब मैं पढ़ाऊंगा 1919 वाला, 1935 वाला। आधे से ज्यादा जो हम लोगों के प्रोविजन से भारतीय संविधान के, वो हम लोगों ने 1935 के एक्ट से ले लिए, एज इट इज हम लोगों ने या तो कॉपी कर लिए या थोड़े बहुत काट छाट के साथ में ले लिए। तो पहला है क्या बोलते हैं हमारा संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम हम लोगों का पहला है संघीय व्यवस्था। आगे जाके हमको पढ़ना संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या विशेषता है ये। लेकिन अभी याद रखना हम लोगों ने कहां से ली, 1935 के एक्ट से ली है। फिर उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस हम लोगों ने कहां से लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे जाके जब हम राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका पढ़ेंगे तब हम गवर्नर को काफी डिटेल में करेंगे। न्यायपालिका का ढांचा, मोस्ट IMP जिसको बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत ज्यादा मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, न्यायपालिका सीधे अमेरिका लगा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी हम लोगों ने कहां से लेकर रखा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर रखा हो। तो ये बहुत IMP है, ये याद रखना, गलत मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। लोक सेवा आयोग PSC, मतलब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हम लोगों ने कहां से ली, 1935 के एक्ट से ली। फिर आपातकालीन उपबंध, मोस्ट IMP, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, डायरेक्ट कहां लगाते हैं, जर्मनी लगाते हैं। तो हम लोगों को क्या याद रखना, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने कहां से लेकर रखे, 1935 के एक्ट से। फिर उसके बाद में तीन सूचियां, तीन लिस्ट, तीन स्केड्यूल की बात करें, है ना, संघ सूची, संवर्ती सूची और ये हम लोगों की जो राज्य सूची है, ये हम लोगों ने कहां से लेकर रखी हुई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर रखी है। देखो हम जब 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर 12 अनुसूचियों से ही है, तब मैं इन तीन सूचियों का काफी डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोविजन से मेंस में क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान का उल्लेख कीजिए, या कोई 3 प्रावधान लिखिए, या कोई 2 प्रावधान लिखिए, 4 प्रावधान लिखिए। जनरली 3 पॉइंट लिखना है आप लोगों को, तो इन 4-5 में से कोई भी आपको जो 3 पॉइंट्स आए वो याद रख लेना और लिख देना, तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है, ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन हमारे 350 साल उसने राज किया, 400 साल हमारे ऊपर उसने राज किया, तो ये बात तो तय है कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बहुत लाजमी था। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं ये आपको ध्यान रखना। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया, मैंने पहले ही बताया था जब चुनौतियां पढ़ाई थी कि क्यों हमारे सामने एक लोकतंत्र का था कि संसदीय व्यवस्था को अपनाए, कि अपन प्रेसिडेंशियल व्यवस्था को अपनाए, ये हम लोगों के सामने एक चुनौती थी। तो मैं बता चुका हूँ उधर, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है, ऐसे याद रखना, ब्रिटेन का काफी प्रभाव था तो ये चीजें हम लोग लाजमी था कि ब्रिटेन से लेंगे। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेचर प्रोसेस बोलो या लेजिस्लेटिव प्रोसेस बोलो, लेजिस्लेचर प्रोसेस जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, तो विधायी प्रक्रिया जो हमारे यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। आगे जाके जब हम भाग 5 पढ़ेंगे, पार्ट 5 पढ़ेंगे, तब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें काफी डिटेल करेंगे, ये सब चीजें हमको डिटेल में पढ़ना है। यहां तो शॉर्टकट में 3-3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रीलिम्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी हम लोगों ने कहां से लेकर रखा, ब्रिटेन से लेकर रखा। जब हम आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तब वहां पर बहुत अच्छे से मैं डिटेल में काफी समझाऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में एकल नागरिकता, है ना, सिंगल, तो सिंगल सिटीजनशिप जो हम लोगों ने लेकर रखी, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हम लोगों ने कहां से लेकर रखी हुई है, ब्रिटेन से लेकर रखी। जब मैंने वो चुनौतियां पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि दोहरी नागरिकता अपना है या सिंगल सिटीजनशिप अपना है, एकल नागरिकता अपना है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एकल नागरिकता हमारे यहाँ पर मतलब भारत की जो नागरिकता वो एक ही नागरिकता, राज्यों की नागरिकता नहीं है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता और अमेरिका की अलग नागरिकता, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या है, भारत के ही नागरिक कहलाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में बात करें हम मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे आप मोदी जी के मंत्रिमंडल में अमित शाह जी है, राजनाथ जी है और भी बहुत सारे उनके मंत्री जो है,
तोमर साहब है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली कैबिनेट सिस्टम हम लोगों ने कहाँ से लेकर रखा, ब्रिटेन से लेकर रखा। जब हम भाग पांच पढ़ेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं, उनकी मंत्रिमंडलीय कार्यप्रणाली पढ़ने वाले हैं, है ना, संसद जब हम पढ़ेंगे तब उसको काफी डिटेल में जाएंगे। परमाधिकार रीट्स दे रखी है आपको, ये रीट्स जारी करने का अधिकार किसको होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है। कहां से लेकर रखी है परमाधिकार रीटें, हम लोगों ने ब्रिटेन से लेकर रखी हुई है। तो मोस्ट टाइम की चीज है, आप लोगों को याद रखना है, ब्रिटेन से हम लोगों ने लेकर रखा रीट्स। जब आपके अधिकार छीने जाते हैं, मूल अधिकार जो देकर रखे भाग पांच में, तब वहां पर पांच प्रकार की रीट्स जारी करने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। रीट्स को काफी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहां से पांच मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद बात करें हम संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोलेंगे शायद इसको। तो संसदीय विशेषाधिकार मतलब स्पेशल पावर्स। अब देखना, एक बात समझाता हूँ, यहाँ से बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ पर लिखे हैं, क्या पढ़ना है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे ना, तब भी वहाँ पर आपको बहुत सारे संसदीय विशेषाधिकार देखने को मिलेंगे लक्ष्मीकांत में। तो इस तरीके से हम काफ़ी डिटेल में चीज़ों को करने वाले हैं। फिर द्विसदनवाद, बाई कैमरलिज्म, द्विसदनवाद की बात करें, जैसे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया और पार्लियामेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, तो पार्लियामेंट में कौन कौन काउंट होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट नहीं बनती है, ध्यान रखना। हाँ, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या हो गया, द्विसदनवाद, इसी को बोलेंगे बाइक्रेमलर। मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, लोअर हाउस है और अपर हाउस है, या स्टेट ऑफ काउंसिल भी बोलते हैं इसको। नाम मात्र की राज्याध्यक्ष, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष की बात करें, यदि हम लोग नाम मात्र के राज्याध्यक्ष की यदि बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति क्या है, नॉमिनेट होता है, नाम मात्र का कार्यपालिक होता है, सॉरी नॉमिनेट क्या होता है, चुनाव होता है उसका, नॉमिनेट, लेकिन वो नाम मात्र का कार्यपालिक है ना, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करें किसकी, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लेके रखा हुआ है, अमेरिका का हम लोगों को देखना है। अब अमेरिका का देखना है दोस्तों, हम लोगों ने अमेरिका के से कहाँ कहाँ, अमेरिका से क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं। तो अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार लेकर रखा हुआ, जो कि हमारे भाग तीन में देख रखा है, भाग तीन को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लेकर रखे, अमेरिका से लेकर रखे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं याद होती तो मुझे बताना, मैं जब जीके वाले लोगों को जो बताऊंगा, जीके ट्रिक्स वगैरह वाला जो वीडियो डालूंगा, तो वहां पर ये मैं ट्रिक्स से याद करवा दूंगा आपको। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों ध्यान रखना, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी और न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे हम लोगों ने सोपान, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायाधीश और बहुत सारे सबॉर्डिनेट न्यायालय वगैरह, जिला पंचायत, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लेके रखी। तो स्ट्रक्चर क्या है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो हम लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लेकर रखी है, अमेरिका से लेकर रखी हुई है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, अब दोस्तों ये बहुत ज्यादा आप लोगों को काम का है न्यायिक पुनर्विलोकन, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कहां पर अपने को पढ़ना है। जब मैं आप लोगों को आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में न्यायिक पुनर्विलोकन और भी इसके साथ साथ में बहुत सारे आच्छादन के सिद्धांत और बहुत सारे सिद्धांत मैं पढ़ाने वाला हूं, जुडिशियल रिव्यू और ये सारी चीजें आर्टिकल 13 में अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद है ना, वाइस प्रेसिडेंट की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कहां से लेकर रखा हुआ, अमेरिका से लेकर रखा है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, बहुत मजा आता है जब इसको पढ़ते हैं ना हम, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। देखो हमारे मेंस के सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट दे रखा हमको, हाई कोर्ट दे रखा मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको काफी डिटेल में किसको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ना है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो आना लाजमी बनता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। कैसे हटाते हैं, इसकी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को काफी डिटेल में वो भी चीजें पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, या राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट है ना, ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ये हम लोगों को पढ़ना है। मोस्ट आईएमपी उद्देशिका का विचार, थॉट्स ऑफ प्रीएम्बल, उद्देशिका का विचार हम लोगों ने कहां से लिया, थॉट्स ऑफ प्रीएम्बल हम लोगों ने लेकर रखा अमेरिका से। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करते हैं, मोस्ट आईएमपी उद्देशिका का विचार हम लोगों ने कहां से लेकर रखा हुआ है, अमेरिका से ले रखा है। लेकिन उद्देशिका की भाषा जो है हमने, वो कहां से लेकर रखी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर रखी हुई, ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आगे बात करें किसकी, आयरलैंड से, आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लेके रखा हुआ है, तो डीपीएसपी हम लोगों ने लेके रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हमको काफी डिटेल में पढ़ना है। मौलिक अधिकार के साथ साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमको कंपेरिजन करते हुए पढ़ना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ना, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये हम लोगों को पढ़ना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, इतना आसानी से पढ़ाऊंगा ना मैं डिटेल चीजें आप लोगों को कि आप बोलोगे कि पॉलिटी इतना आसान होता है क्या। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्यसभा के 12 सदस्य है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं
उनको हम लोगों को पढ़ना है, तो ये कहां से लिया, हम लोगों ने आयरलैंड से लेके रखा है। तो इतने प्रोविजंस लेके रखे हैं, 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो आप यहां से 3 पॉइंट डालो, आपका काम बनेगा। फिर हम लोग बात करें कनाडा की। कनाडा से हम लोगों ने क्या ले रखा है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखो जनरली क्या आता, संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लेके रखी, तो कनाडा से लेके रखी, आपको याद रखना है ना। फेडरल सिस्टम विथ पावर ऑफ सेंट्रल, ये हमको ध्यान रखना है, फेडरल सिस्टम विथ पावर ऑफ सेंट्रल, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लेके रखी। अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूरी पावर हम लोगों ने कहां से लेके रखा है, कनाडा से लेके रखा हुआ है। राज्यपालों की नियुक्ति हम लोगों ने कहां से लेके रखी, कनाडा से ले रखी है, कि राज्य केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, गवर्नर्स होगा, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय है ना, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी मतलब एडवाइजरी देने का काम भी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है कहां से लेके रखा है, कनाडा से लेके रखा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेके रखा, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में क्या चीजें हैं, अभी इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो सूची से रिलेटेड रहेगा, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग हम लोगों को, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, जब कभी भी मतभेद होता है तो ये दोनों साथ में बैठते हैं। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। इसको भी काफी डिटेल में पढ़ना है, ये यहाँ से एक अपने आप में क्वेश्चन 11 मार्क का भी बन सकता है। व्यापार वाणिज्य और समागम, इससे कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों अब इतना हम लोगों ने पढ़ा, अब थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, बाकी चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जर्मनी, जर्मनी का हम लोगों को देखना है ना, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लेके रखा। मैंने पहले ही उधर बता दिया आप लोगों को जर्मनी का संविधान, और उसमें कंफ्यूजन नहीं करना अपने को। तो जर्मनी के संविधान से क्या लेके रखा है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी लेके रखा हुआ है। कौन से फंडामेंटल राइट्स कब खत्म होंगे, इमरजेंसी लगेगी जब, इमरजेंसी 3 प्रकार की हमारे ऊपर लगती है, सारी चीजें हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जब बताऊंगा, और आपातकालीन उपबंध भी हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद बात करें रूस की, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों को देके रखी हुई, 11 प्रकार की ड्यूटीज देके रखी हुई, तो ये हमको समझना है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श ध्यान रखना, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हम लोगों ने कहां से लेकर रखा, रूस से लेकर रखा, ये ध्यान रखिएगा। आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, प्रस्तावना उसने अपने प्रीलिम्स और मेंस के उसमें सिलेबस में देके रखी हुई है, अपने को प्रस्तावना को काफी डिटेल पढ़ना है, और इन शब्दों को भी मैं आप लोगों को वहां पर 3-3 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करवाऊंगा, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ये सारे शब्द, याद रखना। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी हम लोग पढ़ेंगे काफी डिटेल में, फंडामेंटल राइट्स में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको भी पढ़ना है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस से क्या लेके रखा हुआ, गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, मोस्ट आईएमपी गणतंत्र, हम 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन को कहां पर कवर करेंगे, प्रीएम्बल्स में कवर करेंगे। स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, ये याद रखना, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फैटर्निटी कहां से लेके रखे, फ्रांस से लेके रखे हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन कवर होंगे। दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मोस्ट आईएमपी बार बार आता है संविधान में हमको संशोधन की प्रक्रिया, तो मेंस में दे ही रखा, तो वो भी हमको मेंस में पढ़ना है ना। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, बहुत आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, इसको बार बार याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वहां पर हम लोगों ने मनोनयन पढ़ के रखा है, मतलब नॉमिनेशन है, और यहां पर क्या है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ अपर हाउस, राज्यसभा या स्टेट काउंसिल भी बोलते हैं इसको, तो याद रखना यहां पर निर्वाचन हो रहा है, यहां पर इलेक्शन हो रहा है, और वहां पर नॉमिनेशन हो रहा है राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का, है ना। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 230 होते हैं कि 250 होते हैं कि 245 होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, वर्तमान में कितने होते हैं, इसमें सदस्य कितने हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये भी मुझे बताइए, इन तीनों में से मैंने आप ऑप्शन बता के बताना, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संविधान की अनुसूचियां रहेगा, ठीक है। तो अनुसूचियां हम लोगों को पढ़ना है, और ध्यान रखना अनुसूचियों से भी 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, और 5 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।